नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH 24/7। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पर एक बंगाली डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, डॉक्टर ने एक वीडियो जारी कर विधायक पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। डॉक्टर के मुताबिक विधायक ने क्षेत्र में क्लिनिक संचालन के एवज में पैसों की मांग की। उसका आरोप है कि पैसे नहीं देने पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के साथ कमलेश्वर डोडियार क्लिनिक पर कार्रवाई करने पहुंच गए थे। कमलेश्वर डोडियार ने कभी बाइक चलाकर विधानसभा पहुंचने के लिए सुर्खियां बटोरी थी, हालांकि अब वो लग्जरी वाहन का इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने धीरे से इशारा करा, कितना दे सकते हो? उन्होंने फिर बोला, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो आप बांधना रहो, नहीं मैं नहीं रहने दूंगा। फिर आज अचानक से यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर पे आया और उसके बाद उन्होंने बोला, फिर 3 घंटा से मेरा यहाँ मेडिकल स्टोर पे आके बैठा रहा। उसके बाद बोला, हमने जो हमारे विधायक प्रतिनिधि जो है, क्या नाम उनका, दशरथ ढिंडोर, उनको आपके पास भेजा था बात करने के लिए। आपने उनसे बात क्यों नहीं की? आपको मौका दिया हमने बात करने की, लेकिन आपने उनसे बात नहीं की। अगर बात करते तो आपको ये नौबत नहीं आते, मेरे को ये आना नहीं पड़ता। अब तो तेरे को जेल भेजा के मैं मानूंगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ एक डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए मांगने का मामला सामने आया है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल, कमलेश्वर डोडियार जिनका जिनके नाम को लेकर काफी चर्चाएं रही हैं और चर्चाओं में इसलिए भी रहे हैं क्योंकि एकमात्र आदिवासी विधायक ऐसे रहे जो जीत कर आए थे ये। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये जीते थे उनका कहना था कि मेरे पास ऐसा कोई साधन संसाधन नहीं है। पहली बात, जब वो पहुंचते हैं तो मोटरसाइकिल से पहुंचते हैं, उसके बाद अलग अलग जो तरीके हैं वो कहीं ना कहीं देखने में आ रहे थे। देखिए, एक वीडियो वायरल जरूर हुआ है जिसमें एक बंगाली डॉक्टर से कमलेश डोडियार जो है वो 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने, माफ कीजिएगा, 1 करोड़ रुपए की मांग की है उन्होंने। देखिए, हालांकि क्षेत्र में जो क्लिनिक कैसे कुछ चलने देने के लिए ये पूरी मांग की गई है, जिसमें पैसा अगर वो नहीं देते हैं जो बंगाली डॉक्टर है तो उनको पुलिस और SDF के द्वारा कार्रवाई तक करवाने की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पीड़ित ने वीडियो जारी कर अपनी आप बीती बताई है और उसने कहा है कि कुछ दिन पहले मेरे घर पर बुलाया था और वहां पर उन्होंने पैसे की बात कही है। देखिये, काफी सुर्खियों में रहने वाले विधायक है ये कन्नन डोडियार। जी जी बिल्कुल, आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी प्रदीप? देखिए, निश्चित तौर पर जब ये पूरा मामला निकल कर आया तो कहीं ना कहीं इस मामले का संज्ञान जरूर लिया जाएगा। क्या पीड़ित पक्ष के द्वारा किस प्रकार से आगे कार्रवाई की जाती है, क्या जो तमाम जो आला अधिकारी हैं या जो वरिष्ठ जो लोग हैं उनसे किस प्रकार से संपर्क करेंगे और क्या वो मुख्य रूप से जाकर इस बात की शिकायत करते हैं, तो आगे आने वाले समय में कई अलग अलग प्रकार से कार्रवाई जो है वो भी देखने में आ सकती है। जी जी बिल्कुल प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बात करें उज्जैन की, जहां अभिनेता आयुष्मान खुराना उज्जैन पहुंचे हैं। बता दें, बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए हैं, नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल का पूजा अर्चना किया। आपको बता दें, पूजा करने के बाद आयुष्मान इंदौर के लिए रवाना हुए। बड़ी खबर है, जहां अभिनेता आयुष्मान खुराना बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे हैं। आपको बता दें, बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं उन्होंने, नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की है उन्होंने। तो पूजा करने के बाद आयुष्मान इंदौर के लिए रवाना हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अभिनेता आयुष्मान खुराना बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे हैं। देख सकते हैं आप, नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल के पूजा अर्चना की है उन्होंने। पूजा करने के बाद आयुष्मान इंदौर के लिए रवाना हो गए।
और आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान नीमच वासियों को सीएम मोहन ने बड़ी सौगात भी दी। उन्होंने 752 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने की घोषणा भी की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोक कल्याण और प्रगति के ऐसे युग का सूत्रपात हुआ है जिससे सभी के जीवन में सुखद बदलाव आ रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कांग्रेस में इन दिनों नेताओं के बीजेपी में जाने की चर्चाओं से माहौल गर्म है। ऐसे में कांग्रेस के नेता इस झुंझलाहट में अपने ही सांसद विधायकों को बिकाऊ बताने का बयान दे रहे हैं। रतलाम ग्रामीण विधानसभा की नामली में हुई बैठक में शामिल हुए पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दल बदल वाले माहौल को लेकर अपनी पार्टी के एमएलए और सांसद को बिकाऊ बता दिया। बता दें रतलाम के नामली में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एमएलए बिक सकता है, सांसद बिक सकता है, लेकिन जमीन पर बैठने वाला मेरा साथी कार्यकर्ता कभी नहीं बिक सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर जिले में अपना एक आदमी बिठा दिया है जिसे इस काम पर लगाया गया है कि कैसे भी कांग्रेस के सरपंच पंच किसी को भी तोड़कर अपनी पार्टी में ले जाया जाए। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर वर्मा ने अपमानजनक टिप्पणी की। कमलनाथ के लिए बंद है, तुम्हारे दरवाजे में दीमक लग चुकी है, तुम्हारे दरवाजे में दीमक लग चुकी है। ये आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। ये जमात जो बैठी है ना, एमएलए बिक सकता है, सांसद बिक सकता है, लेकिन मेरे जमीन का बैठने वाला साथी ये कभी बिक नहीं सकता। चले आगे बढ़ते, आपको बता दें झाबुआ पहुंचे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। डिप्टी सीएम ने लोकसभा चुनाव कार्यालय का विधिवत फीता कार्ड का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री नागर सिंह और मंत्री निर्मला भूरिया भी मौजूद रही। वहीं बता दें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश की 29 सीटों पर जीत हासिल कर पीएम मोदी के 400 पार का नारा साकार होगा। इसके अलावा उन्होंने राहुल की न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि न्याय मांगने वालों को जनता ने विधानसभा चुनाव में जवाब दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का शुभारंभ है। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है, अटूट विश्वास है, मोदी जी की गारंटी है। और फिर एक बार मोदी सरकार आने वाले लोकसभा के इस चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके बिठाने का संकल्प है और एक बार फिर वो प्रधानमंत्री के रूप में बैठेंगे। और चलिए आगे बढ़ते, आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में मार्च के पहले सप्ताह में प्रवेश कर जाएगी, जिसे लेकर कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह समेत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार लगातार तैयारियों को लेकर दौरा कर रहे हैं। वहीं न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने 23 अलग अलग कमेटियों का गठन किया है जो यात्रा में हर स्तर पर काम करेंगी। देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी में मुरैना से एंट्री करेगी। प्रदेश कांग्रेस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने के लिए योजना बना रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लोकसभा की तैयारियों के आगाज में देखा जा रहा है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल की 4 सीटों सहित मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर यात्रा लेकर पहुंचेंगे। यात्रा के लिए प्लानिंग कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, रोड शो कमेटी और मीडिया कमेटी समेत 22 कमेटियों का गठन भी किया गया है, जिसमें पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष समेत कई दिग्गज शामिल हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 तारीख को मुरैना से प्रवेश करेगी। मुरैना के बाद ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना है, राजगढ़ है, शाजापुर है, उज्जैन है, फिर धार में एक आम सभा होगी, बड़ी सभा हमारी। इस यात्रा में अलग अलग हमारे जो उस जिले के जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वहाँ के जो हमारे प्रभारी हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो उस क्षेत्र के सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उन सभी
को ये दायित्व सौंपा गया है कि सभी लोगों का समावेश इस यात्रा में हो सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के कुल 9 जिलों और 7 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। ये यात्रा एमपी में रहकर 698 किलोमीटर के दायरे को तय करेगी। 2 मार्च को धौलपुर से ग्वालियर, 3 मार्च को ग्वालियर के घाटी गांव से ईश्वरी, 4 मार्च को म्याना से भाटखेड़ी, 5 मार्च को पचौर से मुल्लुपुरा उज्जैन, 6 मार्च को बदनावर और सैलाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस की गठित कमेटियां हर स्तर पर जिम्मेदारी संभालेंगी। यात्रा के शुरुआती दौरे में मुरैना में पहली सभा होगी, बाद में राहुल गांधी रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। मुरैना से लेकर रतलाम तक राहुल गांधी अलग अलग ग्रुप्स के साथ चर्चा करेंगे और हर ग्रुप के साथ अलग मुद्दों पर बात होगी। एमपी में ये यात्रा 5 दिन तक रहेगी। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जो कि भोपाल से आ रही है। आपको बता दें 25 फरवरी को एमपी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ग्वालियर चंबल कलस्टर के चारों लोकसभा क्षेत्रों की प्रबंध समिति की लेंगे बैठक। आपको बता दें भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सम्मेलन में 3 लाभार्थी परिवारों से भी करेंगे संपर्क। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं यहाँ पर, जहाँ 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री भोपाल आ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सम्मेलन में 3 लाभार्थी परिवारों से भी संपर्क करेंगे। तो 25 फरवरी को एमपी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर है जहाँ ग्वालियर चंबल क्लस्टर के चारों लोकसभा क्षेत्रों के प्रबंध समिति के बैठक भी लेने वाले हैं। आपको बता दें भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सम्मेलन के 3 लाभार्थी परिवारों से संपर्क करेंगे। 25 फरवरी को एमपी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर है ग्वालियर चंबल क्लस्टर के चारों लोकसभा क्षेत्रों के प्रबंध समिति की बैठक लेंगे। भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव करीब है और केंद्रीय नेतृत्व का दौरा लगातार मध्य प्रदेश में हो रहा है और अब इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए बिल्कुल, अमित शाह जो है लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग बैठक करेंगे, प्रबुद्ध नागरिकों के पूरे सम्मेलन को भी जो है संबोधित करेंगे भोपाल में। और देखें तो वो सबसे पहले ग्वालियर चंबल पहुंचेंगे, उसके बाद में बुंदेलखंड और उसके बाद में भोपाल। तो एक ही दिन में जो है वो 3 क्षेत्रों का दौरा करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वो फीडबैक भी लेंगे जो उन्होंने इसके पहले की भोपाल दौरे के दौरान दिए थे। सभी निर्देश भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को चुनाव प्रभारी, सह प्रभारियों और अलग अलग जो मोर्चा अध्यक्ष हैं इन सब का जो है साथ वो एक बैठक करेंगे और तैयारियां किस हद तक पहुंची है, कितना पुराने जो लक्ष्य रखे गए थे वहां तक पहुंची है, इन सब का फीडबैक भी अमित शाह लेंगे। जी जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अनुराग एक बड़ी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का इसमें बड़ा हाथ रहा है, तो वहीं लोकसभा में भी 29 की 29 सीटों पर दावा करती नजर आ रही है बीजेपी की जीत कराएंगे, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व का योगदान फिर से रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, अगर लोकसभा चुनाव तो खास तौर पे केंद्र की ही जो रणनीति है उस पर लड़ा जाता है, केंद्रीय नेतृत्व की अगुवाई में ही लड़ा जाता है। और यही कारण है कि हमने देखा भी है कि मध्य प्रदेश में जितने अभी लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई है उसमें अगर कोई नाम लिया जा रहा है तो रणनीतिकार के रूप में अमित शाह का और चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी का। जी जी बिल्कुल अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।